मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति है जो बिहार के बारे में सोचता है। वो पत्रकार होने से पहले भी जब वो फेसबुक लाइव पर आया करते थे और अपने हाथों में कीचड़ उठा उठा करके दिखाया करते थे कि बिहार की हकीकत क्या है। आपने वो चीजें भी देखी होंगी। और जब वो पत्रकार बने, जब उन्होंने माइक आईडी उठाई तो भी वो उसी स्टेटमेंट पे टिके रहे। जुडिशियल इंटेलिजेंसिया का इस्तेमाल करे, जिसमे मनीष कश्यप के तमाम उन वीडियो का अध्ययन किया जाए, जिसमें उन्होंने जनता की आवाज उठाई, बच्चों की आवाज उठाई, यतीमों की आवाज उठाई, उन गरीबों की आवाज उठाई जिसकी आवाज उठाने का जिसकी जिम्मेदारी सरकार, नेता और ब्यूरोक्रेट्स की थी। मनीष कश्यप के समर्थन में मैं बोल रहा हूँ और मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा, है ना? तो वो मेरे लिए एक प्रेजेंट सरप्राइज होगा। बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि मेरे जैसे और हजारों लोगों के ऊपर एनएसए लगे और जो पैसा इन्होंने फ्रॉडिया पैसा बचा करके सरकारों ने रख रखा है ना, उस पैसे से जेल बनवा करके हम जैसों को ठूसे। बहुत अच्छा लगेगा जब एक तरफ राज्य के सभी सच्चे वीर ना एक कमरे में बंद हो जाएंगे और वहां से आंदोलन और क्रांति लिखी जाएगी। राजा का बेटा जो राजा बनेगा ना, ये जो थॉट और प्रोसीजर था ना लोगों के दिमाग में, वो चीज अब खत्म होने वाली है। क्योंकि अब राजा का बेटा राजा बनना, अगर वो लायक होगा तो बनाया जाएगा, वरना गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। ये हमेशा और हर युग में एक कर्ण पैदा होता है, वही कर्ण हर युग में रहेगा। नीतीश भाई, सवाल जी है जी, आपने तो बोला कि एक उंगली है माइक उधर है जी जी, आपने बोला कि मनीष कश्यप का मतलब जो सरकार गिराने के बाद चाहे वो सही है, आपने इसको डिनाई किया। मनीष कश्यप को आप पत्रकार मानते हैं या नेता मानते हैं? मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति है जो बिहार के बारे में सोचता है। वो पत्रकार होने से पहले भी जब वो फेसबुक लाइव पर आया करते थे और अपने हाथों में कीचड़ उठा उठा करके दिखाया करते थे कि बिहार की हकीकत क्या है। आपने वो चीजें भी देखी होंगी। और जब वो पत्रकार बने, जब उन्होंने माइक आईडी उठाई तो भी वो उसी स्टेटमेंट पे टिके रहे। मैं उन्हें पत्रकार भी मानता हूँ। अगर वो कल को नेता होंगे तो अगर अच्छा कार्य करेंगे तो ठीक है, वरना अगर मनीष कश्यप भी गलत कार्य करेंगे तो सवाल उठाने से। और मैं जानता हूँ कि मनीष कश्यप ऐसा कार्य तो कभी नहीं करेगा। और ये केवल मैं नहीं जानता हूँ, बिहार में घूमिए, माइक आईडी उठाइए, 12 करोड़ आदमी आपको पता है क्या बोलेगा? भैया में भैया मनीष भैया, समझे? तो मनीष भैया हमेशा टॉप पे रहेंगे। सरकार के जब जो वकील जो थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने मनीष कश्यप को नेता बताया था। 60 लाख फॉलोवर है, नेता है, चुनाव लड़ चुका है। तो चुनाव नहीं लड़ा है, डिनाई करिएगा। अरे चुनाव लड़ा है, 60 लाख फॉलोअर है भाई, फेसबुक पेज उठा के देखिए उनका। रुको, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि भारतीय नेताओं को एक बीमारी हो गई है कि जो राजनेता होगा वो कोई काम धंधा नहीं करेगा, सारा कुछ देश के निचोड़ निचोड़ के अपनी जेब भरेगा। हर नेता को एक काम करना चाहिए रोजी रोटी कमाने के लिए और देश चलाने के लिए, ठीक है ना? ये कोई मतलब नहीं कि आप नेता बन गए तो सारा काम धंधा छोड़ दोगे और बस देश को लूटना खाना पीना चलेगा। 3-4 चीजें आप समझ लीजिए। कोरोना काल में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने खूब बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी रैली की, तब किसी को दोष अपराध समझ में नहीं आया। यही राजनीतिक प्रतिद्वंद था जब बीजेपी में प्रधानमंत्री को भी फंसाने का काम किया गया, अमित शाह को जेल में भी डाला गया और जिला बदर भी किया गया, योगी आदित्यनाथ को 11 दिन तक जेलों में रखा गया। तो मैं समझता हूँ राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरीके से जो कार्यशैली अपनाई गई है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। जो केंद्र में सरकार है उनके नेताओं को भी और जो बिहार में सरकार चल रही है उनको भी, क्योंकि इस राजनीतिक प्रतिद्वंद में हजारों में एक व्यक्ति उभर के आता है, आप उसका गला घोटने का प्रयास करेंगे, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का पावर इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। साथ ही कोर्ट को मैं कहूंगा बिना डिले के सुनवाई करे और एक जुडिशियल इंटेलिजेंसिया का इस्तेमाल करे, जिसमें मनीष कश्यप के तमाम उन वीडियोस का अध्ययन किया जाए, जिसमें उन्होंने जनता की आवाज उठाई, बच्चों की आवाज उठाई, यतीमों की आवाज उठाई, उन गरीबों की आवाज उठाई जिसकी आवाज उठाने का जिसकी जिम्मेदारी सरकार, नेता और ब्यूरोक्रेट्स की थी। आप क्यों समर्थन में उतर गए हैं प्रोफेसर साहब मनीष कश्यप का? मनीष कश्यप के मैंने कहा एक आपको जुडिशियल इंटेलिजेंसिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा किसी को जज करने के लिए। वो ये है कि जब मैं आपका जजमेंट करूं तो आपके किए गए कार्यों तमाम उन वीडियोस का भी अध्ययन करूं और उससे पता लगाने की कोशिश करूं कि आपकी छवि किस प्रकार की है, सोच किस प्रकार की है और आप राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, एक आम आदमी के लिए किस तरीके के विचार और व्यवहार करते हैं, उसके आधार पर ये तय किया जा सकता है कि वो उस गलती को आप आपराधिक गलती मानेंगे या बाई मिस्टेक्स मानेंगे। क्योंकि हजारों वीडियोज, सारे चैनल, नेशनल चैनल जब इस समाचार को दिखा रहे थे तो आप एक व्यक्ति पर उंगली क्यों टारगेट किए, क्यों नहीं आपने सभी को इसमें धाराओं में जोड़ा? इससे पता चलता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस केस को तैयार किया गया।
बनाया गया और उस बच्चे को फंसाया गया। बिहार के युवा पत्रकार हैं, क्या कहेंगे मनीष कश्यप को लेकर के छठ पूजा अभी आने वाला है? जी देखिए, छठ पूजा आने वाला है और हम 12 करोड़ बिहारियों के लिए छठ पूजा जितना महत्व रखता है वो हम सभी जानते हैं, ठीक है। और ना केवल बिहार बल्कि आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले हिस्से में जाएंगे, वहां पे भी छठ पूजा का उतना ही महत्व है। और पूरे देश में हर जगह पर जहां जहां पर बिहारी मौजूद है वहां वहां पर वह छठ पूजा करता है और हमेशा प्रेम और स्नेह के साथ मांग करता है कि जो हमारी औलादे हैं, हमारा जो बिहार है वो हमेशा सुरक्षित रहे, हमारा जो देश है वो सुरक्षित रहे। लेकिन जब बात हम बिहारियों की आती है तो हम ही लोग पिटते हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई साहब बिहारी पिट कहाँ रहे हैं, ठीक है। केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का खास तौर पे यही सवाल रहता है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर कोई और भी सरकार हो, सभी का ये सवाल रहता है कि बिहारी पिट कहाँ रहे हैं भाई साहब। तो मैं आपको गिनवा देता हूँ, जम्मू कश्मीर में आधार कार्ड देख देख करके बिहारियों की टारगेट किलिंग होती है, ठीक है। आप नीचे चले जाइए, पंजाब में आप जाएंगे तो पंजाब में बिहारियों को मतलब मजदूरों की तरह ट्रीट किया जाता है, हरियाणा में वही चीज़ है। उसके बाद आप दिल्ली में आएंगे तो बिहारी शब्द एक गाली के रूप में है, इस चीज को आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। आपको बोला जाएगा वे बिहारी है? आपको डर नहीं लग रहा है मनीष कश्यप के समर्थन बोलने? मनीष कश्यप के समर्थन में मैं बोल रहा हूँ और मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा, है ना। तो वो मेरे लिए एक प्रेजेंट सरप्राइज होगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि मेरे जैसे और हजारों लोगों के ऊपर एनएसए लगे और जो पैसा इन्होंने फ्रॉडिया पैसा बचा करके सरकारों ने रख रखा है ना, उस पैसे से जेल बनवा करके हम जैसों को ठूसे। बहुत अच्छा लगेगा जब एक तरफ राज्य के सभी सच्चे वीर ना एक कमरे में बंद हो जाएंगे और वहां से आंदोलन और क्रांति लिखी जाएगी। आपको पता होगा कि भगत सिंह, गुरु सुखदेव सभी को जेल में डाला गया था और वहां से भी क्रांति उत्पन्न हुई थी। तो हम चाहते हैं कि हम सबको इकट्ठे डाला जाए और उसके बाद जब वो क्रांति उत्पन्न होगी ना, फिर बिहार और पूरा देश कहां पे होगा ये सभी के सभी देखेंगे। और एनएसए जैसे चीजों से डरना नहीं चाहिए, और एनएसए प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। जिस दिन प्रूव करेंगे वो लोग, उस दिन बात किया जाएगा इसके ऊपर। मुझे स्टालिन के ऊपर एनएसए नहीं लगा तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये पक्षपात नहीं है? बिल्कुल पक्षपात है। आप एक बात बताइए, करुणानिधि स्टालिन, ठीक है, दादाजी एमके स्टालिन, पिताजी खुद उदयनिधि स्टालिन, इन तीनों ने स्वप्न देखा सनातन धर्म को खत्म करने का। इनके दादाजी मिट गए, इनके पिताजी मिट गए, अब ये खुद भी कहां तक जीते हैं वो देखा जाएगा, ठीक है। इनकी सात 700 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी लेकिन सनातन धर्म खत्म नहीं हो पाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा भाई साहब, आप सोचिए राजा के बेटा जो राजा बनेगा ना, ये जो थॉट और प्रोसीजर था ना लोगों के दिमाग में, वो चीज अब खत्म होने वाली है। क्योंकि अब राजा का बेटा राजा बनना, अगर वो लायक होगा तो बनाया जाएगा, वरना गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। ये हमेशा और हर युग में एक कर्ण पैदा होता है, वही कर्ण हर युग में रहेगा।